हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज से हमारे एसबीआई पीओ के जो प्री का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उसके लिए सिर्फ हमारे पास 29 से 30 दिन बचे हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हम 30 दिन के अंदर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्री क्वालिफाई करा तो उसके बाद ही आपको मेन्स में बैठने का मौका मिलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को 30 दिन के अंदर अच्छे से तैयारी करके क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमको एक बात जो ध्यान रखनी है कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला हूँ। 30 दिन बहुत कम समय होता है। आपको ये वीडियो का टाइटल देख के या ये वीडियो में जो मेरी बातें हैं सुनकर शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये कुछ भी, ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों देखिए, आजकल समय हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट वर्क में, प्लान्ड वे में अगर कोई भी काम करते हैं तो आप उसको इजीली, आप अच्छे से उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमको इस वीडियो में सीखना है कि किस तरीके से हम प्री को टारगेट करके कम से कम समय में उसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, तो उन चीज़ों पे हम बाद में ध्यान देंगे। तो अभी सबसे पहले हमारा 30 डे जो प्लान है, 30 दिन का जो हमारा प्लान है आज से, वो ये रहेगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, स्ट्रेटजी हमको क्या अपनानी है, किस तरीके से हमको पेपर के फोकस्ड होके किस तरीके से तैयारी करनी है, तो ये स्ट्रेटजी हम जानेंगे। आगे स्मार्ट वर्क, हमको चीज़ों को स्मार्ट वे में करना है। हमको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से चीज़ें अटैम्प्ट करनी, किस तरीके से मार्क्स उस पेपर के थ्रू हमको लेना है। अल्टीमेट हमारा गोल है कि उस एग्ज़ाम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं स्मार्ट वे में। उसके बाद है तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ हमको हासिल नहीं की जा सकती। तो 30 दिन है आपको, 30 दिन कंसिस्टेंसी दिखानी है आपको, समय देना है प्रॉपरली, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, उन चीज़ों पर वर्क करना रहेगा जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आखिरी चीज़ है फोकस। फोकस हमारा कि ये जो तीन चीज़ें हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी, स्मार्ट वर्क हमको कैसे करना और कंसिस्टेंसी, इन सारी चीज़ों के बाद हमको रहे मेन फोकस। इन तीनों पॉइंट्स पे हमको फोकस रखना है, हमारे पेपर पे मेन फोकस रखना है, हमारी तैयारी पे हमको मेन फोकस रखना है। तो हमारा फोकस कहीं डेविएट ना हो। ये 30 दिन हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि किस तरीके से हमको एसबीआई पीओ का प्री निकालना है दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे हमारे मेन कंटेंट की तरफ कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का हम मिला के हमारा जो बाधा है उसको हम किस तरीके से हम पार कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। हमको किस तरीके से किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है, कितना टाइम देना है, तो ये हम अगर पेपर के 30 दिन पहले से अगर हम डिसाइडेड है हमारा कि किस चीज़ को मुझे किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट रहेगा कि मुझे इतने ही मिनट लेना है इस सेक्शन में और इतने मिनट में मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों देख लें कि अगर हमने इंग्लिश में 30 नंबर का है ये, तो 30 नंबर के क्वेश्चन से हमको 15 से 16 मिनट में करना है। किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग का जो पार्ट है 21 से 22 मिनट समझें, और क्वांट का जो पार्ट है उसको हम 21 से 22 मिनट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 60 मिनट का जो हमारा पूरा टाइम है, इस तरीके से हमारा कवर हो जाता है। और इसमें हमको सिक्योर करना है मार्क्स, ये इसमें हमको प्रॉपरली पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ों पर हमको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा मेन हिस्सा कि किस तरीके से हम इन तीनों सेक्शन को समय के अनुसार अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हुए अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहला हमारा हिस्सा है रीजनिंग। हम देखें रीजनिंग में हमको क्या क्या चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, क्या चीज़ें पहले अटेम्प्ट करनी है और क्या चीज़ें बाद में अटेम्प्ट करनी है और किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। तो दोस्तों जो अभी पैटर्न चल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आप सिलोजिज्म अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बनने आसान होते हैं। और दूसरी चीज़ आप प्रैक्टिस कर लें रिवर्स सिलॉग्स जो आजकल पूछे जाने लगे हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस रहता है वो बिल्कुल पैटर्न से उल्टा रहता है। जिस तरीके से आपको पहले कोई स्टेटमेंट दिया जाता था उसके बाद कंक्लूजन दिया जाता था, अब पहले कंक्लूजन दिया जाएगा उसके बाद चार स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि हमको स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट बताना है कि ये कंक्लूजन लाने के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो ये बहुत कम टाइम में हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी तो बहुत कम टाइम में आप इन चीज़ों का अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखें, सबसे पहले आप सिलॉग्स देखें, उसके बाद इनइक्वालिटी पे पहुंचे। इनइक्वालिटी भी बहुत कम टाइम लेती है, अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रखी है इन चीज़ों की तो ये बहुत कम टाइम लेंगी। तो इन चीज़ों को आपको स्क्रॉल करके आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो आप क्वेश्चन पेपर में इन चीज़ों को स्क्रॉल करके आप आसानी से ढूंढें और सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का अटैम्प्ट करें। इन दोनों चीज़ों का अटैम्प्ट करने में आपको 7 से 8 मिनट लगना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन रहते हैं
ये भी कम टाइम लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 10 से 12 मिनट में इन तीनों चीज़ों का अटैम्प्ट करते हैं तो आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके रहेंगे दोस्तों। तो इसके बाद रीजनिंग में हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अब आती है बात कि इन चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करा जाए। दोस्तों ये तीनों टॉपिक्स इतने ईजी हैं कि आप आराम से इनकी 3 से 4 दिन अगर कंटिन्यूसली अभी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी कमांड भी बन जाएगी और आप इनको आसानी से सीख सकते हैं। रिवर्स सिलॉक्स के आप आसानी से कहीं भी, कई सारी वीडियोस डले हैं इसके, तो आप उन वीडियोस को देख के इसको सीख सकते हैं। आसान कोई बिल्कुल टफ नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन पे भी बेस्ड कई सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उन वीडियोस को देख के आप आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन और 2 से 3 दिन की मेहनत, कंटिन्यूसली मेहनत 2 से 3 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो रीजनिंग में इन तीनों टॉपिक पर कमांड ईजिली आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको खोजने हैं डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जो बहुत इजी रहते हैं और आप इजीली उनको कर सकते हैं सॉल्व। उसके बाद आजकल क्या है दोस्तों कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जाम्स में देखा जा रहा है कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं प्री में, जो कि मेंस में पूछे जाते थे अक्सर। तो हमको इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं दोस्तों। और ये जितने भी टॉपिक अभी तक हमने देखे हैं ये इजी टॉपिक्स हैं, इनको आप इजीली इन पे कमांड कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं है। और अगर ये टॉपिक्स आपने एक लेवल तक अगर अटेम्प्ट करे हैं, सही प्रॉपरली अटेम्प्ट कर रहे हैं आप इनको खोज के, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपने शुरू के 3 जो टॉपिक बताए अगर वो अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आपका एग्जाम में, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। और सबसे जो लास्ट हिस्सा है जो हमको अटेम्प्ट करना है वो है पजल्स। पजल्स हमको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करना है। और पजल्स में भी अगर आपको लेवल्स वाले जो इमारत रहती है पहली मंजिल दूसरी मंजिल, तो इस तरीके के जो पजल्स आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और पजल आखिरी के 5 से 7 मिनट में आप उनको, पजल्स को 5 मिनट आखिरी के दें तो 17 मिनट में जो हमने ऊपर के 5 टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक्स को आप इजिली कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करिए। ये ईजी है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, आप इनको सीख सकते हैं और पेपर में बहुत कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे आखिरी में आप लोगों को पजल करना है और पजल में भी लेवल वाले पजल जो रहते हैं उन पजल्स पे हमको फोकस करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। तो दोस्तों इस हिस्से में हम जानेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपने कोई अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा हो तो ही आप इसमें हिस्से में मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो तब आप इस हिस्से में मार्क्स सिक्योर कर सकें। दोस्तों आप स्ट्रेटेजिकली अगर चलें तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हिस्सा हमको जो अटेम्प्ट करना है, आप स्क्रॉल करके चेक कर लें क्वेश्चंस के, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन आना तय है। और जहां भी हो सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करें। अप्रोक्सीमेशंस जहां पे पॉइंट्स में वैल्यू दी रहती है राउंड ऑफ करके हमको कैलकुलेशन करनी रहती है, बॉड मास पे बेस्ड रहते हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज हमको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आई तो ठीक है, हमको ढूंढ के वो चीज़ देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अगर है तो हमको उसको सबसे पहले सॉल्व करना है इसके बाद। तो ये दोस्तों ये दोनों चीज़ें अगर आ गई तो किस्मत है आपकी, क्योंकि ये दोनों बहुत ईजी रहते हैं और अच्छे से अटैम्प्ट कम समय में अटैम्प्ट करे जा सकते हैं और ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो आएगा, बार ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, तो ये भी ईजी रहते हैं, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड रहती है। ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक है तो इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों पर कमांड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कम से कम समय में आप इन तीनों चीज़ों को सीख सकते हैं। और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड हैं ये चीज़ें, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है या कोई मेथड नहीं है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से सीख सकते हैं, कम समय में प्रैक्टिस करके पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आप ये कम समय में 15 मिनट के अंदर अगर आप ये सारी चीज़ें 15 मिनट से कम, मतलब कि 10 से 12 मिनट में आपको इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर देना है दोस्तों। इसके बाद आप आए नंबर सीरीज के क्वेश्चन। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आपको देने 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं बनेगी सीरीज मुझसे तो उसको छोड़ दें। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो वो मोर देन सफिशेंट है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप इसके बाद, क्योंकि तब तक हमने 15 या 17 क्वेश्चन कर चुके रहेंगे अगर हमने ऊपर के जो क्वेश्चंस करे हैं, क्योंकि DI के 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस पर ध्यान दें। तो हमने अगर 12-13 क्वेश्चन अगर हम कर चुके हैं और 2-3 क्वेश्चन अगर हम इससे करते हैं तो इस तरीके से हम हमारे जो लक्ष्य है हमारा जो 22-20 से ऊपर एटलीस्ट क्वेश्चन सही करने का, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।
इसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपको लास्ट में आना है, क्योंकि बैंकिंग में आजकल बहुत टफ वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको किन चीजों को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, तो देखें। सबसे पहले आप देखें टाइम एंड डिस्टेंस का, अगर क्वेश्चन अगर आपको स्क्रॉल करने में मिलता है तो इसमें ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है आगे पीछे करने में। अगर आपने देखा कि टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है तो जल्दी से उसको अटेम्प्ट करें। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, ये चार टॉपिक ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क में फिर भी कई सारे टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ये चार टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें आप इजीली कमांड कर सकते हैं दोस्तों। कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और एज सून एज पॉसिबल हमारे चैनल पे भी हम मैथ्स के वीडियो हम डालने वाले हैं। तो दोस्तों निश्चिंत रहें, अभी बस प्री तक आप तैयारी रखें इन चीजों की। बहुत ज्यादा टफ तैयारी नहीं है प्री के लिए, हमको बेसिक क्वेश्चन ही करने रहते हैं। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखें कि कुछ अगर ऊपर नीचे होता है, पैटर्न बदलता है, तो हम उनके लिए प्रिपेयर रहें। तो हमको वर्ड प्रॉब्लम्स में ये चार टॉपिक हमको सबसे पहले खोजने हैं, अगर मिलते हैं तो इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। और इन चार टॉपिक्स की को ही अच्छे से हमको प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में, कि हम एटलीस्ट ये क्वेश्चंस वहां जाके अटेम्प्ट कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में एवरेज के क्वेश्चन अगर आप कमांड कर सकते हैं तो एवरेज पढ़ें, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस काफी टफ आते हैं तो इनको लास्ट में करना है। और अगर दोस्तों आप प्रोबेबिलिटी अगर आपसे बनती है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, प्रोबेबिलिटी आपको अगर अच्छे से बनती है तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, परम्यूटेशन अगर कॉम्बिनेशन आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये बहुत इजी चीज है। अगर आप ट्राई करें किसी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे से पढ़ने की कोशिश करें, वो आपको इजीली समझा सकता है कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन क्या होता है। बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं है, तो एक क्वेश्चन इसका आना पक्का है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको ध्यान देना है कि इनमें जो शुरू के टॉपिक्स जो मैंने 4 से 5 टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक्स पे आप इजीली कमांड कर सकते हैं, तो इन टॉपिक्स पे कमांड रखें। दूसरी चीज, अगर आप प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी के 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप सीख सकते हैं तो उनको सीख लें। अगर आ गया उनमें से क्वेश्चन तो ठीक है, अच्छी बात है, एक नंबर आप कर देंगे सही। और दूसरी चीज है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़ा देख के करने की, टफ क्वेश्चन आते हैं, ईजी अगर आ गया तो ठीक है, उसको कर दें आप। और इस तरीके से आपको जिस सीक्वेंस में जो टॉपिक्स दिए हैं मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसी सीक्वेंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम के जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं आपके यहाँ पे, उन टॉपिक्स को उसी सीक्वेंस में पढ़ें और उसी सीक्वेंस में उसको समझें। और जो शुरू से मैंने आपको सीक्वेंस बताई है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशंस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, इन चीज़ों पर आपको बहुत अच्छी कमांड करनी रहेगी। और दोस्तों इन चीज़ों पर कमांड आप कम समय में कर सकते हैं, आपको डेली 2 से 3 घंटे देते हैं। अगर आप 1.5 से 2 घंटे अगर मैथ्स में देते हैं एक एक टॉपिक को डेली, और साथ ही साथ रीजनिंग में करते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट आपके डेली 2-2 घंटे देने, 4 घंटे अगर आप देते हैं तो दोनों सब्जेक्ट एक हफ्ते में आपके, आप 15 से 16 मार्क्स का दोनों सब्जेक्ट का कवर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद तो जो हमारा आज का तीसरा और आखिरी हिस्सा है, इंग्लिश। इंग्लिश की हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पेपर में जाके इस चीज को अटेम्प्ट करना है हमको, वो हम सीखेंगे दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग जो सेक्शन है वो मोस्टली बच्चों का अच्छा रहता है, कमांड रहती है उस पर। इंग्लिश जो सेक्शन है उस सेक्शन में आपकी कमांड कम रहती है। तो दोस्तों इसमें हमको ज़्यादा समय देना भी नहीं है, हमने इसलिए इस चीज़ इस सब्जेक्ट के लिए हमने कम से कम टाइम अलॉट करा है। अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है तब भी आप इंग्लिश 10 से 12 मिनट में आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कमांड थोड़ी कम है तो भी हम उसको 15 मिनट दे रहे हैं, मोर देन सफिशियंट टाइम है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमको कैसे करना है, अटेम्प्ट करना है इतने कम समय में, बेहतर तरीके से किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखिए दोस्तों। एरर्स जो आती हैं, एरर्स में हमको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अगर हमें एरर, डायरेक्ट एरर, इजी एरर आती है, हमको समझ में आ रहा है तो उस पर टिक करें। हमको नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल भी नहीं करना, सबसे पहले एरर करना है अटेम्प्ट, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग इंग्लिश में बिल्कुल फ्रेश रहता है। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, एक बार में अटेम्प्ट करें इंग्लिश का पूरा पेपर, तो दोस्तों जैसे ही आप एरर पे जाएं बिल्कुल काम डाउन कर लें अपने आप को, सोचें ठंडे दिमाग से, अगर जो एरर समझ में आ रही है उस एरर को पढ़ें, नहीं तो नेक्स्ट एरर पे आप पहुंच जाएं। तो इस तरीके से सबसे पहले एरर करें जिसमें, क्योंकि सबसे कम टाइम लगता है। दूसरी चीज़ है क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आजकल इजी आते हैं प्री एग्जाम में। क्लॉज टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्लॉज टेस्ट पूछे जा रहे हैं प्री में बैंक के, तो आप क्लॉज टेस्ट के ऊपर जंप करें स्क्रॉल करके तुरंत, और दोस्तों इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद ये दो चीज़ें अटेम्प्ट करने के बाद आप 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे सही। अगर आप करते हैं थोड़ा बहुत भी कमांड है तो आप 10 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, आपकी कमांड अच्छी है, तो अगर आपने ये दो सेक्शन ही अटेम्प्ट कर लिए अच्छे, तो आप जो इंग्लिश का जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर लेंगे और सफिशियंट मार्क्स भी सिक्योर कर लेंगे।
इसके बाद अगर अब ये चीजें आपने 5 से 7 मिनट में अगर आपने अटेम्प्ट कर ली हैं, उसके बाद आप पैराजंबल पे जाएं। पैराजंबल एक ऐसी चीज है कि जिस जो अगर गलत होता है दोस्तों तो वो पूरे मार्क्स लेके जाता है। तो पैराजंबल करते समय बहुत ध्यान रखें, जो पैराजंबल समझ में आ रहा है उसी पर फोकस रखें। 3 से 4 मिनट इस चीज को दें आप कि 10 से 11 मिनट अगर हमारे हो जाते हैं इन तीनों चीजों को कवर करते हुए, तो ये प्रोडक्टिव रहे। पैराजंबल आके ये आपके इन दोनों हिस्सों के मार्क्स नेगेटिव ना करा रहे, इधर एरर और क्लोज टेस्ट के मार्क्स नेगेटिव ना हो जाएं। तो पैराजंबल जब आप करेंगे तो पैराजंबल जो इजीली समझ में आ रहा है उसी पैराजंबल को अटेम्प्ट करें। और इसके बाद सबसे आखिरी में ये तीनों चीजें करने के बाद हमको देने हैं 4 से 5 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी हमारे जो पैसेज आएगा उस पैसेज को पढ़ें। तो किस तरीके से हमको पैसेज अटेम्प्ट करना है ये देख लें ध्यान से दोस्तों। देखिए जी, कुछ बच्चों की कमांड बहुत अच्छी होती है पैसेज पे, तो इस चीज को वो पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें श्योर शॉट आपके मार्क्स होते हैं। अगर कमांड नहीं है तो इस चीज को सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना है। आप ध्यान से सुने, अगर आपकी इस पे कमांड है तो एरर और क्लॉज टेस्ट के बाद आप इसको अटेम्प्ट करना है। तीसरे नंबर पे इसको अटेम्प्ट करना है। अगर कमांड नहीं है तो सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करें। और सबसे पहले आप कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी आरसी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू करें। आप स्क्रॉल करके क्वेश्चंस जैसे ही पढ़ेंगे 2-3 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेज किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप उसी माइंडसेट के हिसाब से पढ़ेंगे। और देखिए, आप 2 से 2.5 मिनट में आप इजीली पैसेज पढ़ सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिए उसमें एक ना एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले 2-3 क्वेश्चन पढ़ लें, और फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पढ़ें, तो जिसमें स्टोरी से रिलेटेड कोई या जो भी आपको आर्टिकल दिया गया है तो उससे कोई फैक्ट या फिगर पूछ रहा हो उस पैसेज से, तो वो फैक्ट एंड फिगर पूछने वाले क्वेश्चन को आप पहले देखें जिसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश का है हिस्सा उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे प्रॉपरली वर्क करते हैं तो इंग्लिश में इन चीजों की तैयारी कैसे करनी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज एरर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जितनी एरर हो सकती हैं आप ऑनलाइन मिलती हैं, ऑफलाइन बुक्स में मिलती हैं, सारी एरर्स को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आप ये मानिए कि अगर आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर आप प्रैक्टिस करें तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। और उसके बाद जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपको मिल सकते हैं या बुक्स कई सारी अवेलेबल हैं, उन बुक्स से आप लेके इन चीजों की प्रैक्टिस करें एरर्स की। उसके बाद क्लॉज टेस्ट पे आते हैं। क्लॉज टेस्ट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस दोस्तों। इसके लिए आपको कोई प्रीवियस तैयारी नहीं करनी, सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बैंक्स के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन आजकल बहुत अवेलेबल है, डेली साइट्स पे मिल जाते हैं, डेली के क्लॉज टेस्ट मिल सकते हैं आपको, तो उनकी आप तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों, इसके बाद आता है पैराजंबल। पैराजंबल टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्रैक्टिस अगर आप करते हैं। तो क्लॉज टेस्ट और पैराजंबल एक ऐसी चीज है, इन दोनों चीजों को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना बहुत सारी बुक्स पढ़े या बिना बहुत सारी ग्रामर पढ़े हुए। तो इन दोनों चीजों पर अगर आप कमांड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपको मार्क्स सिक्योर करने के लिए। लास्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तीसरी चीज है दोस्तों, इस पे भी इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। तो देखिए, जैसे अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अभी कम है, एरर्स पे अगर आपकी कमांड कम है, तो आपको इन तीनों चीजों पर कमांड बहुत अच्छी करनी रहेगी दोस्तों। और इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए है, आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली चाहिए इस पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरू के पहले हफ्ते मैथ्स और रीजनिंग पे दें, आज से पहला हफ्ता मैथ्स और रीजनिंग में दें, और उसके अगले हफ्ते 4 घंटे सिर्फ एक हफ्ते इंग्लिश पे दें, जिससे कि आप इन चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड कर लें। और उसके बाद अगर आप दिन में 3-3 घंटे 1-1 घंटे मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश पे देते हैं तो सफिशियंट है दोस्तों। इंग्लिश में हमको प्री एग्जाम में बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, इंग्लिश पे हमको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने, इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों। इंग्लिश सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है, हमको जितने एफर्ट डालने हैं मेंस में डालने हैं, क्योंकि प्री में हमको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास, मैथ्स और रीजनिंग, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाने हैं। हम यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो सकते हैं इंग्लिश में कम मार्क्स लाके, तो हमको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने और उतने ही लेवल का इंग्लिश पढ़ना है यहाँ पे हमको। उसके बाद मेंस के लिए हमको इंग्लिश के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा, वहाँ पे हम इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी आपके लिए प्रॉपर वीडियो आएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज मैंने डाले भी हैं, और वीडियोज मैं डालूंगा सिर्फ SBIPO के मेंस पे बेस्ड। तो जैसे ही आपका प्री होता है उसके बाद हम वीडियोज डालना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इन चीजों को जो मैंने बातें बताई हैं प्रॉपरली समझें, और इन चीजों को उसी सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करते हैं तो शर्त यह मैं बोल रहा हूं आपसे, इस चीज को मानिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।